नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके बीच में मैं कोई क्लास लेकर नहीं आया हूं, आज आपको जानकारी देने आया हूं कि एसएससी जीडी 2024 की भर्ती आ चुकी है। सतर्क हो जाइए, तैयार हो जाइए और इस भर्ती में अपना एक पद सुनिश्चित कर लीजिए। एसएससी जीडी 2024 26,146 पद आए हुए हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, लगभग 27,000 पद आए थे, बाद में 48,000 और फिर 52 से 53,000 पदों पे उसकी भर्ती हुई थी। ये भर्ती भी बढ़ेगी, इसमें पद बढ़ेंगे, इसलिए फॉर्म बड़े सावधानी के साथ बरतकर सावधानी के साथ आप फॉर्म को भरिएगा। कोई भी गलती मत करिएगा, क्योंकि एक भी गलती अगर आप किए तो आप पूरे सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, और कहीं अगर आप सिस्टम से बाहर हो गए तो फिर आप पूरी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। तो जरा ध्यान से समझिएगा क्या नोटिफिकेशन है, क्योंकि अंग्रेजी में दिया गया है, कुछ बच्चे परेशान हैं और इसीलिए मुझे आना पड़ा नोटिफिकेशन को बताने के लिए कि किस तरीके से हमको सर तैयारी करनी है और किस तरीके से हमको फॉर्म भरना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम फॉर्म भरने में ही गलती कर दें। तो चलिए आते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। एसएससी का लोगो लगा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको नोटिस मिला हुआ है। कांस्टेबल जीडी जनरल ड्यूटी होता है बेटा, सेंट्रल आर्म फोर्स सीएपीएफ एंड एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी आसाम राइफल 2024 के लिए भर्ती दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन 24 नवंबर से स्टार्ट हो गया है और यह 31/12 यानी 31 दिसंबर तक नए साल की शुरुआत के लिए आपके लिए भर्ती दी गई है। तो आप नए साल में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसी साल 31/12 तक रात के 23 बजे यानी 11 बजे रात तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, ऑनलाइन फीस पेमेंट आप लास्ट यहाँ 1 तारीख तक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे लास्ट का वेट कभी नहीं करना चाहिए। पता चले कि सर्वर ही हैक हो गया है, सर्वर ही नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत है, तो आपका काम हो जाएगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लास्ट सबमिशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पहले ही फॉर्म भर लीजिए। इसका एग्जाम कब होगा बेटा? फरवरी मार्च 2024 में इसका एग्जाम होगा। चलिए कुछ मुख्य मुख्य बातें करें। पहले ये बात समझ में आ गई आपको, यहां से आप समझ लीजिएगा फॉर्म कब तक भरना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें एग्जाम में क्या होती है कि आपको ये एग्जाम देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, एग्जाम देना होगा। एग्जाम के बाद आपको फिजिकल देना पड़ेगा। फिजिकल आप समझते हैं, दौड़ना होगा, आपकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, सब नापेंगे, तो फिजिकल होगा। तो फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपका मेरिट बन के फाइनल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही एग्जाम में, इस समय एसएससी का फॉर्मेट आप देख रहे हैं, दो दो एग्जाम करा रहे हैं, फिर उसके बाद कहीं इंटरव्यू भी है। तो अभी तो क्लास 10th के लिए इंटरव्यू नहीं है, तो दो दो एग्जाम से आप बचेंगे, फिर मेरिट से बचेंगे। तो आप एक ही एग्जाम बीट करिए, फाइनली आप फिजिकल और मेडिकल की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें तो कुछ विशेष करना नहीं होता है, वो आप पहले से ही तैयार रहते हैं उसके लिए। कहाँ से आप इसको फॉर्म को फिलअप करेंगे? तो आपको ssc.nic.in दिया गया है, ये वेबसाइट दी गई है ssc.nic.in। और पे स्केल क्या है आपका? पे स्केल है 21,700 से 69,100 रुपये है, यानी इसी के बीच में आपको पे स्केल दिया जाता है। बेसिक पे यही होता है 21,700। अलग अलग में बीएसएफ में, सीआईएसएफ, आरपीएफ, सॉरी आरपीएफ नहीं, सीआरपीएफ और एसएसबी आईटीबीपी में ये सब पद दिए गए हैं। टोटल यहाँ देखिए कॉर्नर में लिखा हुआ दिख रहा है 26,146 पद। अभी ये 26,146 है, बाद में ये पद बढ़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये 10% वैकेंसी इसके लिए है, एक्स सर्विसमैन के लिए है। एक्स सर्विसमैन में जैसे पहले से ही वो सर्विस कर रहे हैं। मुख्य मुख्य पॉइंट पे हम आते हैं बेटा, पूरी बात हम नोटिफिकेशन अगर हम सॉल्व कराने लगे बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आप आइए पहले नेशनलिटी पे। नेशनलिटी क्या होनी चाहिए? आपको इंडियन होना चाहिए। अब ये कहिए कि ये भी नहीं पता है, ये एक सिंपल सी बात है कि आपको नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए? इंडियन होनी चाहिए, इतना आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। ठीक है बेटा,
आते हैं। एज लिमिट, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे दिमाग में यही होता है कि हमारी एज है कि नहीं है, तो आप नोट कर लीजिए 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में आपकी एज है तब तो ठीक है। कब? 1/1/2024, दो 1/1/2024 को आप 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में होने चाहिए। इसका मतलब है आपका जन्म 2/1/2001 से पहले नहीं होना चाहिए और 2/1/2006 के बाद नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार नोट कर लेते हैं कि 2/1 यानी 2 जनवरी 2001 से पहले ना हो, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इससे पहले का है पहले नहीं होना चाहिए, और बाद में क्या होना नहीं चाहिए, 1/1 यानी 1 जनवरी 2006 के बाद आपका जन्म नहीं हुआ हो, ये बात ना हुआ हो, ठीक है। ये दो बात नोट कर लीजिए। हाँ, एससी एसटी के लिए अगर आप हैं तो 5 साल का आपको फायदा हो जाएगा, यानी 23 से 5 28 साल का आपको मिल जाएगा क्या, रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का, यानी आप 26 साल तक भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो वहाँ भी 3 साल का मिला हुआ है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ जानकारी दी गई है, यहाँ पर इस पेज पर भी कोई विशेष बातें नहीं है, जहाँ केवल इम्पोर्टेंट है बस वहीं पे बता रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये क्लास 10th वाले बच्चे जो क्लास 10th पास हैं, 10वीं पास हैं, केवल 10वीं पास के लिए दिया गया है, किसी भी बोर्ड से या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी बोर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ सर, कुछ फ़ायदे हैं, हाँ एनसीसी के कुछ फ़ायदे हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मिल जाएगा, 5% है आपका सी सर्टिफिकेट पे, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, और यही 3% आपका मिल जाएगा अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है, और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको क्या मिलेगा, 2%। कहाँ, ये जो मार्क्स मिलेंगे उसमें, ओवरऑल में देखिए, द इंसेंटिव ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर विल बी ग्रांटेड टू द फॉलोइंग स्केल, यानी ये सब फायदे आपको एनसीसी करने के बाद मिल जाएंगे। तो अभी तो आप एनसीसी करने जा नहीं रहे, जो बच्चे किए होंगे वो पहले से ही कर चुके होंगे, तो अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 2%, बी है तो 3% और सी है तो 5%, ये आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेंगे, जो आप पढ़कर एग्जाम देंगे अच्छे से तैयारी करके देंगे वो तो अलग मिलेंगे ही, वो तो मिलेंगे, यहाँ पर आप लीड करेंगे अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। कहाँ से फॉर्म भरेंगे, तो हाउ टू अप्लाई, आपको जाना पड़ेगा यहाँ ssc.nic.in पे, और ये सब बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो सबको पता है कि वेबसाइट पे जाने के बाद कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे काम करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात और, यहाँ पे आपको फी कितना पे करना पड़ेगा, 100 रुपये है, मामूली सी फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और यदि आप SC ST हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, वुमेन मतलब लड़कियाँ हैं, लड़कियों को भरने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, लड़कियों के लिए कोई फीस पेमेंट नहीं है, आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, भीम UPI से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, रुपे कार्ड से कर सकते हैं, वो तो आप साइबर कैफे पे या वहाँ पे जाकर आप देख लेंगे। हाँ, विंडो एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ दिया है। सेंटर पे ध्यान दीजिएगा, सेंटर भरते वक्त आप अपने पास के सेंटर को पहले ही भर लीजिए, जहाँ जहाँ आपको समझ में आए कि हाँ हमारे नज़दीक में है, यूपी बिहार के सभी बच्चे अपने पास में यहाँ पे भर सकते हैं, इतने सब सेंटर है, सेंटर कोड भी उसके सामने प्रदर्शित किया रहेगा, आप भरेगा तो दुकानदार, ठीक है, लेकिन आप अपनी ही बात को समझकर देखना पड़ेगा, पता चले आप इलाहाबाद देना चाहते हैं और वो पटना बिहार दे दिया, आप दौड़िए भागिए, गाड़ी का टिकट कराइए, फिर परेशान होइए। एग्ज़ाम का स्कीम क्या होगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एग्ज़ाम होगा कैसे, तो पार्ट ए में कंप्यूटर बेस होगा, पहले तो CBT होगा, ये ध्यान दीजिएगा, CBT का मतलब समझते हैं, कंप्यूटर बेस टेस्ट CBT एग्ज़ाम होगा। 80 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, टोटल 80 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी टोटल हमारा कितने का हुआ, 160 अंक मिलेंगे, टोटल हमारे पास 160 अंक होंगे, ठीक है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके क्या GS के होंगे, 40 मार्क्स के यहाँ पे, और 20 क्वेश्चन होंगे
जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के और जनरल अवेयरनेस के लिए। अच्छा ये रीजनिंग का था, हाँ रीजनिंग का 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 जीएस के, 20 मैथ के और 20 हिंदी या इंग्लिश के। तो इसमें बेटा ध्यान दीजिएगा, 20 प्लस 20 दैट मीन्स 40, इतना तो मैं अकेले ही पढ़ाता हूँ, एक मैथ और एक रीजनिंग। यानी मैथ और रीजनिंग की जल्द ही क्लास आपकी ऑनलाइन हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक तरीके से, रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए। सर रीजनिंग भी पढ़ाएंगे? जी हाँ, अब शुरुआत करेंगे रीजनिंग के लिए भी। तो आप लोग एकदम अच्छे से तैयार हो जाइए, बस ध्यान दीजिएगा ये समय केवल 60 मिनट का दिया गया है, 60 मिनट में ही आपको 80 प्रश्न करने पड़ेंगे। यानी समय को ध्यान देना होगा, हमको समय को ध्यान देना होगा, एग्जाम में समय का ध्यान देना होगा, उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। सर ये उसमें रीजनिंग में क्या क्या आएगा, यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, सिलेबस देख लीजिएगा। हम सिलेबस का डिस्कशन एक दिन अलग से कर देंगे हिंदी में, ये सभी सब्जेक्ट के सिलेबस दिए गए हैं कि यहीं से पूछे जाएंगे, और जहां से नहीं आएगा उसके लिए भी बताएंगे कि ये क्वेश्चन भले ही सिलेबस में नहीं दिखाया गया है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। चलिए फिजिकल एफिशिएंसी पीईटी पे देख लेते हैं कि पीईटी क्या करना पड़ेगा। पहले आपको ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पास करना होगा, ये मत समझिए पहले से ही फिजिकल की तैयारी करने लगे, फिजिकल की तैयारी बाद में की जाएगी, पहले तो सीबीटी एग्जाम निकालिए, एग्जाम की तैयारी करिए बड़े अच्छे से। चलिए तो रेस है, आपको दौड़ लगानी पड़ेगी 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर, ठीक है। ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए यही क्या है 8 मिनट, हाँ 8.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ठीक है 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास उनको दौड़ना पड़ेगा। अच्छा 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट, इस हिसाब से कहाँ दौड़ेंगे, मेल में, लेकिन फीमेल 800 मीटर ही 5 मिनट में दौड़ लें, उतने में ही उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में हाइट वगैरह क्या होनी चाहिए, 170 होनी चाहिए मेल की, फीमेल की 157 होनी चाहिए। हाइट मेजरमेंट अपना देख लीजिए, जो भी है कम ज़्यादा है तो फॉर्म ना तो भरिएगा, फॉर्म तभी भरिएगा जब ये हाइट कंडीशंस को फॉलो कर रहे हों आप, ठीक है। अलग अलग रीजन के लिए भी दिया गया है, चेस्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है, बिना एक्सपेंड किए, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, अन एक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए, बिना फुलाए आपका कितना सीना होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है, यानी 85 तक होना चाहिए फूलने के बाद। वेट आपका क्या होना चाहिए एज अ मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात ये कही जाती है कि अगर 1.60 आपकी हाइट है, ठीक है, तो आपकी आपका वजन 60 किलो से 65 किलो के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हाइट का चक्कर है और वेट का चक्कर है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी होंगे उसके बारे में, मेडिकल की बात बाद में करेंगे, हम आते हैं, हाँ जब एग्जाम देने आएंगे तो इतना पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह लेके जाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो सिलेक्शन में पहले सीबीटी एग्जाम, फिर मेडिकल होगा, ठीक है, सी सर्टिफिकेट आपका जो लग रहा है उसको ऐड किया जाएगा, और ये इस तरीके से प्रायोरिटी दीजिएगा ए बी एस एफ के लिए, बी सी आई एस एफ के लिए, सी आर पी एफ के लिए, सी एस एस बी के लिए, डी, इस तरीके से आप प्रायोरिटी दीजिएगा किसमें ज़्यादा देना है, ये बात के लिए भी आप समझिएगा, ये भी अपने आप में एक कोड है, इस कोड को समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा। जिसमें पद बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें पद ज़्यादा हैं अधिक हैं उसको हमको बाद में रखना है, ये मेरा ट्रिक फॉलो करिएगा, उसको हम बाद में या बीच में रखेंगे। सबसे पहले कम पद वाले भरेंगे क्योंकि कम पद वाले बच्चे कम भरते हैं, सबसे ज्यादा ज्यादा वाले पद की तरफ भागते हैं और वहां सबसे बड़ी दिक्कत होती है, मेरिट जो होती है उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मार्क ये पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ ऑर्डर, ये रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस है, जो अगर वो बराबर हो गए, दो नंबर बराबर आ गए तो कैसे होंगे, सारे कंडीशंस दिए गए हैं, अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, हाँ इस तरीके से आप अपने फॉर्म को बेसिक डिटेल को भरेंगे। क्या डू हैव आधार, आपके पास आधार है, हाँ आधार तो सबके पास है, तो यहाँ यस करेंगे, तो यहाँ आधार नंबर डालेंगे, फिर वेरीफाई आधार नंबर, फिर से वही वेरीफाई करेंगे, सेम टू सेम नंबर वही डालेंगे। वोटर आईडी कार्ड है आपके पास तो उस पर क्लिक करेंगे, आईडी नंबर डालेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है, सैंपल आपका अपना नेम लिखना होगा, आपके पास अपना नाम चेंज करना चाहते हैं यस या नो वो भी चल जाएगा, ठीक है, फादर्स नेम,
इस तरीके से ये सैंपल फॉर्म है जो ऑनलाइन रूप से आपको खुलेगा, लास्ट में सेव करके क्लोज कर देंगे। अपने से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो पहले से ही भर रहे हैं उनसे भरवाइएगा, आप गलती ना करें। ठीक है, एक फोटो से रिलेटेड था उसको बता देते हैं जहाँ आप गलती। हाँ देखिए, यहाँ पे फोटोग्राफ जो है, यहाँ देखिए पीछे ब्लर नहीं होना चाहिए, कलरफुल नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से, इस तरीके से कटा हुआ ना आए, टोपी पहन के नहीं फोटो खिंचाइए। इन्वर्टेड मीन्स यहाँ देखिए वाइट टाइप का है, देख नहीं है, फोटो साफ नहीं आ रहा है, डार्क है, टू डार्क है, टू गॉगल्स लगा हुआ, यानी मतलब ब्लर वगैरह है, साफ नहीं आ रहा है। उल्टा फोटो नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, चश्मा लगा के तो फोटो कभी खिंचाइए ही नहीं, तिरछा होके खड़े होके नहीं खिंचा सकते, पूरा फोटो सामने से दिखना चाहिए, फोटो आपका छोटा ना आए, पूरा का पूरा फिल होके आए, इतनी साइज होनी चाहिए। चश्मा का चाहे आप धूप छाँव वाला चाहे नॉर्मल लेंस वाला भी चश्मा नहीं लगा सकते। ठीक है, आपकी फोटोग्राफ कुछ ऐसी होनी चाहिए। अगर सबसे ज़्यादा रिजेक्शन आपका फोटोग्राफ में ही होता है और कहीं नहीं, बाकी डाटा तो आपका फिट रहता है, यहीं फोटोग्राफ में और सिग्नेचर में होता है। तो इन सब चीज़ों को बड़ा ध्यान से देखिएगा, और जल्द ही हम आपके लिए बैच लेकर आ रहे हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि बैच को ज्वाइन करिएगा। ऑफलाइन बैच मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ और 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और हम मिलते हैं जल्द ही आपकी क्लास में, किस तरीके से एसएससी जीडी की हम तैयारी करेंगे। ओके, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू, शुभ रात्रि, शुभ संध्या।